नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GSTV। आज मैं आप सभी को वशीकरण करने का आसान तरीका बताऊंगा नींबू द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चैनल को देख रहे हैं। तो जितने भी लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, उन सभी से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि वो लोग भी वीडियो देखें, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, हर किसी को बराबर जवाब नहीं दिया जा सकता। और आप सब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार देते हो, इतना सम्मान देते हो, मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का और दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी को कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा नींबू के ऊपर। ये वशीकरण का बहुत ही आसान तरीका है। पति और पत्नी में जब अनबन होती है, एक दूसरे में बात नहीं होती और किसी न किसी के भड़कावे पर पति यहो या पत्नी जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो सबसे पहली बात तो शैतान ही खुश हो जाता है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्यार से रहो। शैतान का काम होता है इंसान को नुकसान पहुंचाना, वो चाहे मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर, शैतान अपना काम करके चला जाएगा। इसलिए जो नींबू से वशीकरण करने का मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि सबसे बड़ा वशीकरण वही है जो अपने वाणी पर खास ध्यान दे, अच्छे शब्दों को बोले और अच्छे शब्द भी उसको उधर से मिलेंगे। जिससे भी वो अच्छे शब्द बोल देगा और सच बोलेगा, वो इंसान के साथ कभी कोई धोखा नहीं करता। सबसे बड़ा वशीकरण यंत्र ये हमने आपको बताया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, चाहे आप वशीकरण करने के लिए ये वीडियो देख रहे हों या आपके वीडियो आपके स्क्रीन पर ये वीडियो आ गया हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है और हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। आप एक बार दिल से कह के तो देखिए, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। हम इस वक्त वशीकरण के लिए वीडियो बना रहे हैं और वशीकरण क्या है? अट्रैक्शन, किसी को मोहित करना, अपने प्यार में दीवाना बनाना और उससे अगर चाहें तो विवाह शादी भी करें, दोस्त बनाना, मित्र बनाना, किसी के दिल में जगह बनाना, वो भी उतना ही चाहे जितना आप चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे हैं और जिन लोगों ने हमारे पूरे तरीके को सीख करके उस उपाय को किया, सफलता ज़रूर पाया है। चाहे तो हमारे वीडियो के कमेंटों को आप देख सकते हैं, कमेंट में जो मैंने लोगों ने जो कमेंट किए हैं, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे बताए हुए उपाय कभी फेल नहीं हुए और अभी जो मैं बताऊंगा वो भी कभी फेल नहीं होगा। अब वशीकरण करना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप पूरा सीखते नहीं हैं। एक समय में अगरबत्ती आती थी, जब मेरे दादाजी का समय था तो चार आने की अगरबत्ती आती थी, 10 पैसे की भी आती थी। उस समय 10 पैसा, आज के समय में 100 रुपया, 50 रुपया और 10-20 रुपए के बराबर है। उस समय का 10 पैसा आज का 10 रुपया बराबर हो चुका है। अगर 1 रुपया आप घर में पूजा पाठ करने के लिए सामग्री मंगाते थे तो 1 रुपया खर्च होता था। उस समय बताते थे हमारे दादाजी की 1 रुपये की सामग्री आती थी हमारे घर में और पूजा की जाती थी। आपकी इच्छा है, आप कम पैसे में भी कर सकते हैं।
तो अपनी अपनी इच्छा होती है कि कैसे हमें पूजा करनी है, हम जिसको भी पूजते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो होता है, भगवान के लिए तो हम सब कुछ कर दे सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी होगी हम उससे ज़्यादा करते हैं, आप भी करते होंगे। तो दोस्तों नींबू, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ नींबू पर। नींबू मार्केट में 5 रुपये का मिलता होगा, किसी समय में बहुत सस्ता मिलता था। एक नींबू आपको लेके आना है और नींबू के ऊपर आपको कुछ लिखना है और फिर नींबू को काटना है। क्या लिखना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी को चाहते हैं तो, उसे पाना चाहते हैं तो, या पहले से शादीशुदा हैं, पति पत्नी में अनबन है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, अनबन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और अगर जो लड़की ये सोच रही है कि हम पति से खुश नहीं हैं और मायके चले जाएं, तो ये समझ लेना पति कभी लेने नहीं आएगा। ऐसी एक बहन है जिन्होंने मुझे 1 महीने पहले से, उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने बोला था मेरा पति बहुत मुझे परेशान कर रहा है। मैंने उनको बोला आपका काम मैं कर रहा हूँ, आप परेशान मत हो। मैंने काम करना शुरू भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने तत्काल अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और अपने मायके निकल गए। मैं उनके बहुत कोशिश किया मैंने कि ना जाएं, लेकिन वो फिर भी, उन्होंने मुझे भी बहुत बुरा भला बोल दिया कि आप लोगों पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, आज वो मुझे कॉल कर रही, मैसेज कर रही कि हम अपने ससुराल में को छोड़ करके मायके आ गए हैं, अब मुझे ऐसा कर दीजिए कि हम अपने ससुराल फिर वापस चले जाएँ। तो ऐसे गलती कभी आप मत कीजिएगा जो एक दिन आपको पछताना पड़े। तो चलिए सीख लीजिए कि ये वशीकरण कैसे होगा, क्योंकि बहुत आसान है, कम शब्दों में समझा देंगे, सीख लीजिएगा। और अगर इस उपाय को करना चाहेंगे तो जिस तरह प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर करिएगा और GSTV को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा। एक नींबू लेंगे और नींबू को आप लाल कलम यानी लाल पेन से आपको लिखना है, और लाल पेन से ऊपर आपको 7 लिखना है और एक बीच में लाइन खींच देना है, उसके नीचे 9 लिखना है, इतना ही आपको लिखना है। और नींबू के जहां पर आपने 7 और 9 लिखा है उसके पीछे अपना और उसका नाम लिख दें और नींबू को खड़ा खड़ा काट दें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दें, अपने ऊपर से 9 बार उतारें और किसी चौराहे पर ले जा करके डाल दें। एक हिस्सा, एक नींबू को का हिस्सा जो होगा वो उत्तर की दिशा में और एक दक्षिण की दिशा में फेंक दें और अपने प्यार का 3 बार नाम लें और चले आएं। इस उपाय को मंगलवार के दिन करें और हर मंगल करें रात को, यानी कि अंधेरे में, जन्म भर के लिए वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। ऐसा रोज़ाना आप अगर हर मंगल को करेंगे तो फिर ये समझ लीजिए तीन मंगल के बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगेगा तो किसी अच्छे कामों के लिए इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि इसके असर बहुत तेज़ी से होते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।